बहुत सालों से आप लोग सुनते ही आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं। जब दिवाली आती है तो ज़रूर ये सब चीज़ें सामने और आती हैं कि श्री यंत्र, जो यंत्रों में यंत्र जिसको महायंत्र बोलते हैं वो होता है श्री यंत्र। तो श्री यंत्र स्फटिक में भी आता है, पारद में भी आता है, चांदी में भी आता है, तांबे पर भी आता है, भोजपत्र में भी आता है, और इस सब की महिमा का बड़ा बखान भी हुआ है। ठीक है ना, आप यूट्यूब पर भी देखते होंगे, जगह जगह इन सब चीज़ों को पढ़ते होंगे। तो श्री यंत्र निश्चित रूप से श्री मतलब धन सुख समृद्धि सब देने का काम करता है, बशर्ते आप उसकी सेवा पूजा बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हों और अपने मन से कर रहे हों, अच्छे से कर रहे हों। ठीक है ना। तो अब भविष्य एस्ट्रो रिसर्च सेंटर और हमारा तीर्थ स्थान जैन तीर्थ श्री घंटागण महावीर साधना केंद्र, तो भोपाल शहर में श्री घंटागण महावीर साधना केंद्र में 5 श्री यंत्रों की मतलब पंच श्री यंत्रों की रत्नों में बने हुए श्री यंत्रों की वेदी है। तो दिवाली धनतेरस से और जो 5 दिन का त्यौहार चलता है भाई दूज तक, इस पर ज़्यादा महत्व होता है, बहुत ज़्यादा महत्व होता है सारी चीज़ों का। कि श्री यंत्र की पूजा इस टाइम पर जो की जाती है वो वर्ष भर आपके लिए धन सुख समृद्धि का कार्य करती है। तो मैं श्री यंत्र बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। श्री यंत्र तो ये इस तरीके का, ये स्फटिक में भी है, अलग अलग पारद में भी है, सभी चीज़ों में। मैं बात कर रहा हूँ कि आपको श्री पूजा कितने अच्छे तरीके से करें। एक तरीका है कि आप उसको अपने घर में करें, तो घर में करने की एक विधि अलग होती है, और हमारे यहाँ की तीर्थ स्थान पर जो विधि होती है वो अलग किस्म की होती है, क्योंकि वहाँ पर प्रतिष्ठित प्रतिमा है, प्रतिष्ठित वेदी है श्री यंत्र की, जिस पर नियमित रूप से उसकी पूजा होती है। तो यदि आप इस तरीके की किसी भी पूजा में भाग लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन हमारी इस पूजा में भाग ले सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप अपने घर के श्री यंत्र पर बहुत अच्छे तरीके से पूजा करें, पूरी विधि से पूजा करें, तो ये जानकारी भी आप हमसे ले सकते हैं, हम इसको ऑनलाइन भी आपके लिए करवा सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि श्री यंत्र के अंदर जो श्री यंत्र होता है उसमें 16 दल होते हैं, हर दल की एक पूजा होती है। फिर उसके जो सबसे ऊपर मेरु यंत्र पर जो आप देखते हैं उभरा हुआ जो एक नोक होती है उसकी एक अलग से पूजा होती है, उसमें गुलाब का फूल, इत्र, दूध और जो पक्षाल जो होता है पूरा अभिषेक जिसको आप बोलते हैं वो सब उसके अंदर होता है। जो श्री का मंत्र होता है, महालक्ष्मी का मंत्र होता है, वो उपयोग होता है। यदि हम जैन धर्म के अनुसार उसकी पूजा कर रहे हैं तो माता पद्मावती देवी का यंत्र आएगा, का मंत्र आएगा उसके अंदर। हम माता पद्मावती देवी के मंत्रों से उसका करते हैं, श्री घंटागण महावीर के मंत्रों से उसका करते हैं। तो बेसिकली यदि आप बड़ी श्रद्धा से और बड़े अच्छे तरीके से श्री का जाप कर रहे हैं, श्री की पूजा कर रहे हैं और इन विशेष दिनों में कर रहे हैं, तो 365 दिन आप उसका लाभ उठा सकते हैं। प्रयास करें, इच्छा रखें। यदि कोई इच्छा हो और आपकी तो हमसे संपर्क करें, कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमसे संपर्क करें। थैंक यू।